मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को झूठ बोलने वाला नेता बताते हुए कमलनाथ सरकार से बीजेपी और मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले से आए भूचाल के बाद अब फिर से सियासी तस्वीर बदल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई बड़े नेता बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे थे, मगर दिल्ली से वापस भोपाल लौटे विधायकों ने बसपा और सपा के विधायकों के बंधक बनाने की बात को गलत बताया और उल्टा दिग्विजय सिंह समेत उन मंत्रियों पर सीएम कमलनाथ से कार्रवाई की मांग की जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए थे। अब इस मामले में बीजेपी को पलटवार करने का मौका मिल गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि अब प्रदेश की जनता और बीजेपी से कमलनाथ सरकार को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बंधक बनाए गए विधायकों ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया था। मैं बहुत गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर बदनाम करने का प्रयास किया, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जो इस कमलनाथ सरकार के पीछे के सबसे बड़े, जिनको कहा था मंत्रियों ने कि इस सरकार को चलाने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, मिस्टर बंटाढार को कोई मध्य प्रदेश के अंदर बहुत तरीके से लोग जानते हैं कितना झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, तो इन दोनों को मध्य प्रदेश की जनता से, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। कितना बड़ा झूठ बोला है। आज रामबाई कहती है कि मुझे कोई जयवर्धन बताए, मुझे कोई उठा सकता है। प्रदीप जायसवाल जी ने कह दिया कि सरकार जो वो हो हमारे साथ कोई ऐसा कर सकता है क्या, और जो सरकार होगी हम उसके साथ जाएंगे। आपके मंत्री कह रहे हैं, उमंग सिंगार ने तो ट्वीट करके कहा है, और ट्वीट करके उन्होंने, उमंग सिंगार ने जिस बात का उल्लेख किया है कि यह सब कांग्रेसी खेमे में राज्यसभा जाने की लड़ाई है, ये मैंने पहले दिन कहा था। तो ये जो इनका खुलासा हुआ है, इसको मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से और मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर हॉर्स ट्रेडिंग के मामले ने प्रदेश की सियासत में कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। बागी विधायकों द्वारा बंधक बनाए जाने से इनकार करने पर कांग्रेस के लिए असहज की स्थिति पैदा हो गई है। पार्टी के कुछ नेता इस पूरे घटनाक्रम को अपनों का किया धोखा बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।